नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सुरेश भाई तांत्रिक हमारी यूट्यूब चैनल ब्लैक मैजिक वशीकरण गुरुजी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हमारे पास रोज के हजारों कॉल आते हैं और एक ही बात पूछते हैं कि गुरुजी, हमने बहुत जगह वशीकरण करवाया लेकिन हमारा कार्य सफल नहीं हुआ। एक ही बार फोन आते ही एक ही बात पूछते हैं, तो इसमें आपको थोड़ा सा लॉजिक इस्तेमाल करना है कि आपने जिससे भी काम करवाया, कोई बोलते मैंने दो जगह करवाया, कोई बोलते मैंने 10 जगह करवाया, इतने पैसे मैंने बर्बाद कर दिए। तो जो कोई भी गुरुजी हो, तांत्रिक हो, पुजारी हो या कोई भी ज्योतिष बाबा, आप एक ही बात उनसे पूछना है कि आप जो भी वशीकरण साधना करते हैं, आप उनको अपने खून और पसीने की कमाई के पैसे आप उनको देते हैं, तो क्या वो रियल में आपके लिए कुछ साधना करते हैं या नहीं? जो व्यक्ति सच्चा तांत्रिक या बाबा या ज्योतिष या जो भी जो आपके लिए वशीकरण साधना करता है, जो आपको लाइव दिखाता है, लाइव वीडियो भेजता है, आपने उस बाबा ने आपके लिए क्या किया? आपने इतने सारे पैसे लिए, वही जो स्लाइड दिखाता है, प्रूफ दिखाता है कि मैंने आपके लिए ये साधना की है, वही बाबा ज्योतिष या तांत्रिक सच्चा है जो आपके लिए मेहनत करता है, रात भर आपके लिए वशीकरण साधना करता है, आपको दो दिलों को मिलाने की कोशिश करता है। दुनिया में सबसे अच्छा कार्य है दो दिलों का मेल कराना, दो प्रेमियों को आपस में मिलाना। हमारे चैनल का उद्देश्य भी यही है कि आपको आपका सच्चा प्यार आपको मिले। हमारी तंत्र मंत्र हवन वशीकरण पूजा साधना आपके कार्य आपके इच्छा को पूर्ण करने में हमारी सहायता मिले, बस यही हमारा चैनल का उद्देश्य है। तो दोस्तों, जिस प्रकार से मैं करता हूँ, मैं कभी ये नहीं कहता हूँ कि आप हमें पैसे दो या हमसे साधना कराओ, बस जो साधना विधि जो मैं करता हूँ, जिसका फल मुझे मिलता है और मेरे क्लाइंट मेरे यजमान मेरे कार्य से संतुष्ट होते हैं, वही साधना सामान्य साधना मैं आज आपको बताता हूँ कि वशीकरण साधना किस प्रकार की जाती है, फोटो से वशीकरण साधना। तो दोस्तों, जिसको भी फर्स्ट में करना चाहते हैं, माँ कामाख्या का नाम लिखे, आपको सबसे पहले 5 अगरबत्ती करके माँ कामाख्या के नाम से जला देना है और फिर दोस्तों आपको एक सामान्य सा पुतला लड़की को वश में करना है या लड़के को, उसका एक कपड़ा मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो आप सामान्य कोई भी एक ऐसा पुतला बनाना है। तंत्र मंत्र में पुतले का गुड़िया का बहुत महत्व है। फिर दोस्तों, आपको जिसको भी वश में करना है उसका फोटो ले लीजिए और उसके पीछे नाम लिख लीजिए आप दोनों का। जैसे आपका नाम है विकास प्लस लड़की का नाम राधा इक्वल टू लव, बराबर लव, इस प्रकार से आपको ये लिखना है। ध्यान रखिए, आपका नाम पहले, फिर प्लस का नाम, प्लस का निशान, फिर जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसका निशान, इक्वल टू लव, ठीक है जी। ये इस प्रकार से आपको लिखना है और उसका फोटो आपको इस प्रकार से पुतले के ऊपर बांधना है। ये साधना आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है, रोज मैं ये करता हूँ और ये साधना 100% सफल और सिद्ध होती है। दोस्तों, इस प्रकार से फोटो बांधना है लड़की का या लड़के का, जिसको भी आप वश में करना चाहता है। लोग बोलते हैं, गुरुजी हमने इतनी जगह साधना कराई, रियल में लोग पैसे लेते हैं लेकिन साधना करते ही नहीं है। अगर साधना करते हैं तो रियल में वशीकरण, मैं चैलेंज के साथ देता हूं कि रियल में वशीकरण होता है। इस प्रकार से एक सूखा नारियल लेना है जिसमें से आवाज़ आ रही हो, इसको लूम का नारियल बोलते हैं। पानी वाला नारियल तो बहुत जगह मिल जाए लेकिन सूखा नारियल बहुत जगह कम मिलेगा। आपको नारियल लेना है और उस नारियल के ऊपर इस प्रकार से फोटो को बांध देना है। ये विधि आप अच्छे से देखें। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो
तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मैं वशीकरण की बहुत रियल सच्ची साधना आपको घर बैठे सिखा सकूं, घर बैठे बता सकूं। तो दोस्तों, आपको ये साधना करने के लिए शुक्रवार या अमावस्या के दिन अगर आप साधक हैं तो रोज कर सकते हैं। अगर आप पहली बार कर रहे हैं तो आपको शुक्रवार की रात को 12 से 3 बजे का समय लेना है और अमावस्या का भी रात का समय लेना है और इस प्रकार से ये साधना आपको करनी है एक लाल धागे से, क्योंकि आपका प्यार सामने वाले के लिए सूख चुका है, वो आपके से नफरत करने लग गया है और किसी दूसरे लड़की या लड़के को चाहने लग गया है या आपका पति आपको छोड़ के चला गया है। तो दोस्तों, इस प्रकार से नारियल को बांधना है। नारियल के ऊपर लड़की का फोटो और ये इसके पीछे जो मैंने बताया वो लिखना है और फिर इसके ऊपर हवन के ऊपर 7 बार घुमाना है। दोस्तों, फिर उसके ऊपर 7 बार घुमाने के बाद में माँ कामा के देवी से प्रार्थना करना है कि हे मातेश्वरी, मैं आज अमुक स्त्री या अमुक पुरुष को, जिसको भी आप वश में करने जा रहा हो, इस साधना को सफल बनाए और हमारी हवन पूजा विधि में पधार कर ये साधना सफल और सिद्ध करे। फिर दोस्तों, आपको इस प्रकार से रख देना है और उसके ऊपर थोड़ा सा सिंदूर और थोड़ा सा आपको उसके ऊपर हल्दी, सिंदूर, अष्टगंध थोड़ा थोड़ा डालना है, थोड़ा सा कुमकुम डालना है। फिर दोस्तों, आपको सूखे नारियल के खोपरे के अंदर, इस प्रकार के खोपरे के अंदर आपको आहुति देनी है, सामान्य जौ, तल और एक वशीकरण यंत्र आपको कई पूजा की दुकान पे इस प्रकार का आपको कामदेव यंत्र या आपको इस प्रकार का कोई वशीकरण यंत्र आपको पूजा की दुकान में आसानी से आजकल प्रिंट किए मिलते हैं, उसको आपको इस प्रकार से रख देना है। फिर दोस्तों, अगरबत्ती, जो आपने 5 अगरबत्ती जलाई है, उस अगरबत्ती से पुतले के ऊपर इस प्रकार से उसको धूप देना है ताकि शक्तियां, समस्त शक्तियां जागृत हो जाए और आपकी तंत्र विद्या को सफल बनाए और मातेश्वरी, माँ कामाख्या देवी, माँ सरस्वती, माँ चामुंडा को आह्वान करना है कि मेरी ये तंत्र विद्या, वशीकरण विद्या सफल, सिद्ध और मंगलदायी हो। फिर अगर आप उससे शादी करना चाहते हैं, शादी के उद्देश्य से आप ये वशीकरण साधना कर रहे हैं, तो फिर उसके ऊपर एक मंगलसूत्र, अच्छा सा बाजार में इमिटेशन ज्वेलरी का एक मंगलसूत्र भी आप उसके ऊपर इस प्रकार से रख दीजिए। कुछ पुष्प अगर आपके पास में अवेलेबल है तो गुलाब के फूल या कोई भी अच्छे सुगंधित फूल माता के ऊपर इस प्रकार से पुतले के ऊपर छोड़ देना है। फिर आपको 108 आहुति देनी है, 108 आहुति इस प्रकार से देंगे। ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक स्त्री पुरुष, जिसको भी आप वश में करना चाहते हैं, मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय गुरु गुरु स्वाहा। ओम शिव गुरु गोरखनाथाय प्रसन्नस्तु नमः। फिर आप मंत्र बोलेंगे जो सब सर्वविदित है, हर बार मैं बताता हूँ, सबसे पावरफुल वशीकरण मंत्र वो है, ओम नमो आदेश गुरु को सिद्ध माता स्तंभनी मोहिनी वशीकरणी अमुक स्त्री या पुरुष, जिसको भी वश में करना चाहते हैं उसका नाम ले लो, अमुक मम वश्य वश्य आकर्षय आकर्षय कुरु कुरु स्वाहा। हवन के बिना, साधना के बिना कोई भी वशीकरण साधना सफल और सिद्ध नहीं होती। 108 आहुति इस मंत्र की देने के बाद में दोस्तों, आपको जो मैं हांडी बताता हूँ उसको इस प्रकार से, एक हांडी शमशान से एक हांडी इस प्रकार से आप लेके आनी है और फिर नारियल को और सबको उस हांडी में इस प्रकार से डालने से पहले यंत्र को अपने पास में रख लेना है, यंत्र को निकाल लेना है, यंत्र को आपको रख लेना है और उस हांडी में इस प्रकार से पूरा नारियल को
और इस प्रकार से पूरा अंदर आ जाता है, खोलना नहीं है, बंधन नहीं खुलना चाहिए। और इस प्रकार से जितना भी आता है फिर उसके ऊपर आप लाल कलर का या काले कलर का कपड़ा बांध कर उसको कहीं शमशान के किनारे उस हांडी को रात को आप यज्ञ करेंगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाकर आप इसको डाल के आएंगे। फिर दोस्तों आप देखिए चमत्कार, कुछ ही घंटों में फ्यू हवर्स में आपको सामने वाले का कॉल्स आएगा। आपका अगर लव ब्रेकअप हो गया है तो पैचअप हो जाएगा, पति छोड़ के गया है तो वो वापस आ जाएगा। और कितना ही आदमी इंसान किसी दूसरे के प्यार में पड़ गया है, कितना भी घमंडी हो जिद्दी हो, वो वापस आपका खोया हुआ प्यार आपको वापस आएगा और जिंदगी भर आपका ये वशीकरण का कार्य सफल और सिद्ध होगा। ये साधना दोस्तों तंत्र क्रिया आजमाई हुई है, सफल है, सिद्ध है। धन्यवाद, नमस्कार। तो दोस्तों इस प्रकार से ये साधना अगर आप घर बैठे सीखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आप पहली बार अगर हमारे चैनल पर हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि मेरा आने वाला प्रोग्राम का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।